नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जिले की चारों विधानसभा में भाजपा की प्रचंड विजय निश्चित हुई है। विजय राघवगढ़ से भाजपा प्रत्याशी संजय सत्येंद्र पाठक ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज सिंह बघेल से 24,346 मतों से विजय पाई है। यहां भाजपा को 98,010 मत तो कांग्रेस को 73,654 मत प्राप्त हुए। बहोरी बंद से भाजपा की प्रणय पांडे को 98,817 मत मिले तो कांग्रेस के सौरभ सिंह को 71,195 मत मिले। इस प्रकार भाजपा के प्रणय 23,622 मतों से विजयी हुए। बंटवारा से भाजपा के धीरेन्द्र सिंह को 112,916 तो कांग्रेस के बसंत सिंह को 61,923 मत प्राप्त हुए। इस विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रिकॉर्ड 50,993 मतों से विजयी हुए। मुंडवारा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को 89,061 मत तो कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश जैन को 64,105 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी संदीप जायसवाल 24,956 मतों से विजयी घोषित हुए। देखिए जगत न्यूज 24 से राजेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो रही है, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी और हमारी जो लाडली बहना योजना है, इसको मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश उनकी केंद्रीय योजनाओं से आगे बढ़ रहा है और आदरणीय शिवराज जी की जो राज्य स्तरीय योजना थी, इसका जो लाभ मिल रहा है उसी का कारण है कि जो सेवा किया, ना केवल विकास किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा की और कोरोना जैसी महामारी के समय भी लोगों के घर घर तक अनाज पहुंचाया, किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया, किसी को ऑक्सीजन के बगैर मरने नहीं दिया, किसी को दवाइयों की कमी नहीं आने दी। तो हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन जन की सेवा में लगा था। आज ही उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है कि एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ विकास और तीसरी तरफ भविष्य। बिजरावगढ़ सहित कटनी का मतदाता बेहद खामोश था, ऐसे में इतने अंतर की जीत की उम्मीद का भरोसा था? आपके साथ के कुछ पत्रकार हैं, एक दो तीन यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिनको मैंने बोला था कि तीन तो गारंटेड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चौथी भी आएगी और आप लोग बिल्कुल आश्चर्य मत करना कि हम चारों सीट जीतेंगे। तो लोग इस बात को बड़ी सरलता से ले रहे थे मेरी, लेकिन मेरी ओर से समस्त बहुरी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक के लिए मैं सभी पूरे मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।